तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को खाली कराने गई पुलिस को देख छात्र भड़क गए। इसके बाद छात्र संगठनों की अगुवाई में 50 से अधिक संख्या में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। करीब 2.5 घंटे चले हंगामे के बाद प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार छात्रों को 10 दिन का मौका दिया गया। हॉस्टल में जो छात्र अवैध रह रहे थे, जिला प्रशासन ने उसको खाली करने का आज प्रयास किया। उसमें छात्रों में कोई हॉस्टल में सब आए थे, उन लोगों ने 10 दिन का समय मांगा कि 10 दिन का समय दीजिए, हम स्वतः जो अवैध है खाली कर देंगे। जो जेन्युइन है हमने कहा अगर जेन्युइन है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध छात्रों को हर हाल में हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। इन लोगों का कहना था मुझे 10 दिन का समय दीजिए, हम स्वतः खाली कर देंगे। तो हम लोगों ने ये डिमांड को मान लिया कि ठीक है, 10 दिन में आप स्वतः खाली कर रहे हैं। और उसमें छात्र राजद के नेता दिलीप यादव जी ने कहा कि हम खाली करवा देंगे 10 दिनों में, मेरी जिम्मेवारी। तो क्या लगता है सर, जो 12 लड़कों का लिस्ट था वो उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है? जो लड़के अवैध है जिसको ये लीगल नहीं है वो सब में गड़बड़ी है, इसलिए तो हम लोगों ने दिया। अगर उसमें कोई सही पाए जाएंगे तो उनको हम लोगों को अगर अवैध है तो उनको खाली करना पड़ेगा। 12 का जो लिस्ट दिया गया है टोटल तो अवैध ही थे। हाँ, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसमें 1-2 लड़के हैं जिसका कि नामांकन हो चुका है, एडमिशन रसीद है, उन्होंने कहा। हमने उनको कहा कि आप आके आइए, मिलाइए, जांच करिए, अगर अवैध है तो खाली करना पड़ेगा। 10 दिन का समय दिया, वो लोग स्वतः बोल रहे हैं कि हम खुद खाली करें।